महिला आयोग कमिशन पंजाब दी चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी आए दिन किसी न किसी मुद्दे नूं लैके सुर्खियां च रहिंदे ने। बीते दिनी मैडम मनीषा गुलाटी गुरदासपुर पहुंचे जिथे उन्हां गलबात करदिआं दस्सिआ कि लोकां दीआं शिकायतां ते मुश्किलां नूं हल करन दे लई पुलिस अधिकारियां नाल अहम मीटिंग कीती गई। उन्हां वल्लों एक बिल भी बनाया गया जिस नूं लैके सरकार नाल गलबात कीती जा रही है। जल्द ही यह बिल विधानसभा दे विच भी लियांदा जावेगा। नहीं, कोई मैं पर्टिकुलर शिकायत करके नहीं इत्थे आई, पर सीनियर सिटीजन्स तो रिलेटेड कुछ मुद्दे सन जिहड़े बड़े सेंसिटिव ने। उन्हां ते एक जड़ा पिछे माता जी का वीडियो भी वायरल होया सी, अज उत्थे मेरी उन्हां दे नाल विजिट भी है। तो डीसी साहब नूं भी एक रिक्वेस्ट की गई है कि कई बार कुछ शिकायतां क्योंकि काम दे प्रेशर करके भी इन्हां तक नहीं अप्रोच हो पाउंदियां, या कुछ जड़े साडे सीनियर सिटीजन ने उन्हां नूं कानून बारों पता ही नहीं हैगा। तो SDM साहब की ड्यूटी लगाई गई है, अवेयरनेस होएगी इन्दे ते। होर एक बड़ी सोहनी गल डीसी साहब ने दसी कि जड़ा एक लॉ बनिया होया पेरेंट्स की प्रॉपर्टी नूं कैंसल करवा के जड़ी बच्चों के नाम कर दिती जाती है, वो इन्हां दा है कि इन्दे ते हुण स्पेशल काम किया जाएगा। जड़ी माता जी का भी प्रॉपर्टी वाला केस है, इन्हां दे ध्यान च मैटर लिया दिता गया है कि किसी की रिस्पोंसिबिलिटी लगा दी जाएगी कि माता जी की जमीन का जड़ा उन्हां दे नाम वापिस करवा के और ठेके ते दे के ते एडमिनिस्ट्रेशन साडा सानू हैल्प करेगा। बाकी पंजाब के जड़े आप अज चार जिलों के वुमेन्स हेल्थ इंचार्ज भी बुलाए सी, चारों SSP भी इत्थे अवेलेबल ने। ऑलरेडी बहुत अच्छा साढ़े बड़े उम्दा ऑफिसर ने, पहले भी जड़े डिस्ट्रिक्ट रहे ने बड़ा अच्छा, मैं सबनों जानती हाँ बड़ा अच्छा काम करते आए हैं। कुछ इन्हों की सजेशन सन, कुछ साड़िया सजेशन से, उम्मीद है कि आने वाले टाइम में सारे मिलकर बहुत वधिया काम करें। देखो ये जड़े कुछ शरारती तत्व हैगे ने ना जड़े साढ़े सिस्टम का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए आज तक कोई भी भारत सरकार इदा दू ट्रोलिंग चाहता है। ट्रोलिंग और हरासमेंट है, अभी कोई कानून नहीं आ सकिया, पर साड़ी कमीशन ने हुण एक ऐदा एक लॉ तैयार किया, बिल तैयार किया। आपां सरकार नूं मेरी CM साहब नाल परसों मीटिंग हुई है, एक बिल पेश किया जाएगा, कोशिश की जाएगी कि जल्द तो जल्द ये ट्रोलिंग उत्ते बिल आ रहा है पास हो जाए कि जिंदे नाल साड़ियां जड़ियां साड़ी समाज विच साड़ियां भैणां ने धीआं ने ईवन मेल कम्यूनिटी भी कई बार जड़े बंदे सही होंगे ने वो भी ट्रोल हो जाते हैं, तो इनका बेनीफिट साड़ी सारी कम्यूनिटी होएगा और डेफिनेटली इनका कितने ना कि बेनीफिट साड़ी अफसरशाही ही होएगा, क्योंकि आज साढ़े ऑफिसर्स उत्ते कोविड की सिचुएशन करके भी चाहे वह DC साहब हो, चाहे साढ़े SDM हो, चाहे साढ़े पुलिस कमिश्नर हो, साढ़े SSP हो, बहुत सारा बर्डन है। कुछ शिकायतें डायरेक्ट इन्हां तक अप्रोच लोग नहीं भी कर पाते और नहीं पहुँच पाँदियाँ, तो उम्मीद है कि इस लॉ के आने नाल सबनों सानू बड़ा सपोर्ट मिलेगा, सरकार नू भी सपोर्ट मिलेगा। देखिए अभी तो बिल तैयार हुआ है, अभी एक डिस्कशन हुआ है CM साहब के साथ, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा। आप भी समझते हैं कि एक बिल को लाना संसद उसमें विधानसभा में पास करवाना एक लेंथी प्रोसेस होता है, तो उम्मीद है स्पेशल सत्र बुलाना पड़ेगा। CM साहब बहुत खुश है कि कमीशन एक ऐसा बिल लेके आ रहा है, उम्मीद करते हैं जल्दी पास हो जाए। देखो परफेक्शन किसी चीज़ भी नहीं होंगी, किसी सरकार नहीं होंगी, जड़े साढ़े ह्यूमन रिलेशनशिप पे इन पुलिस का कमीशन का या गवर्नमेंट का रोल नहीं होंगे। जड़िया शिकायतें ने अपा लोग सैटिस्फाइड कोई भी नहीं हो सकता, दो कंप्लेनर्स ने एक तो जस्टिस मिलना ही है ना, और जड़े अच्छे ऑफिसर ने परफेक्शन किसी विच भी नहीं होंगी। जे मैं कहा सारे ही पंजाब के ऑफिसर बहुत अच्छा काम कर रहे ने, नहीं इस तरह नहीं होंगे। मैनू भी कुछ शिकायतें ने सरकार की नॉलेज लिया दिता जाता है, पर जिते अच्छे अफसर ने जज्बा है काम करन दा, अज मैं इत्थे बैठी हुई हाँ अच्छे अफसरां दे विच ही बैठी हुई हाँ, बहुत अच्छा काम कर रहे ने। मैनू बहुत अच्छा लग रहा है कि जिन्हिया भी साढ़े DC साहब ने पूरी मीटिंग नू DC साहब ने ही कंडक्ट किया, कितनी अच्छी तरह इन्होंने ब्रीफ किया, सजेशन नालों नाल साढ़े ऑफिसर्स नोट करते गए ने, ते उम्मीद है जिथे है कमी जरूर दूर की जाएगी। तो उसनों सब कानून पता होंगे ने, इन्हें तो एक गल कहंगी जो इदा के मुद्दे होंगे ने ना यह राजनीतिकरण इन्हों मुद्दों का हो जाता है, जो इदा दे एक स्टेट नू लैके सर्विस क्लास नू कुछ भी मुद्दा पकड़ लो इदा दे धरने धुरने होंगे ने ना उन्हों का राजनीतिकरण हो जाता है। जड़े शरारती लोग ने ना विचे आके सरकारां नू बदनाम करन वास्ते, जे कोई मैं बहुत खिलाफ हाँ, मैं किसी नू किसी भी पार्टी नू क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही, बट ए जदों ये चीज़ां हो जांदियां ने ए पुलिस ऑफिसर्स या एडमिनिस्ट्रेशन नू विचे बदनाम कर दिता है, बल्कि इस तरह नहीं हुंदा।
ਕੰਸਰਨ ਸਿਰਫ ਪੀਸ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅੱਛੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਏਗੀ, ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗੀ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ। PVC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵਾ ਨਈਅਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।